बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है आदिल अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको वापडा में आने वाली नई जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि कौन से जॉब्स हैं, इनके बारे में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को बताई जाएगी। आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक शेयर करना है और जो दोस्त फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको पाकिस्तान में आने वाली लेटेस्ट जॉब और ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि आपने गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपने लिखना है www.newjobinfo.website। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर आपने न्यू जॉब इन्फो के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप न्यू जॉब इन्फो के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपने यहाँ पर सरकारी नौकरी के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो यहाँ पर सबसे ऊपर आपको करियर अपॉर्चुनिटीज इन इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई लिखा हुआ नजर आएगा। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो कम्प्लीट एडवर्टाइजमेंट जो है वो ओपन होकर आ जाएगी। यहाँ पर आपने क्लोज के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो असिस्टेंट लाइन मैन की पोस्टें हैं। इसके लिए आपके क्वालिफिकेशन मैट्रिक होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम। नीचे इन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर है, हाइट चेस्ट वगैरह का इन्होंने सब कुछ बताया हुआ है। इसकी जो सीटों की तादाद है वो 1367 है। इसके बाद हम नीचे बात करें तो ड्राइवर LTV, ड्राइवर HTV, असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट इसके पोस्ट हैं। ये सामने क्वालिफिकेशन और सीटों की तादाद जो है वो बताई हुई है। इसके लिए इन पोस्टों के लिए कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो लोग जिनका डोमिसाइल जो है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, झेलम और चकवाल का हो, वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत ही आसान तरीक़ाकार है। आपने सिंपली इस तरह करना है कि आपने यहाँ पर गूगल ओपन कर लेना है और इसके बाद आपने यहाँ पर CTSP कैरियर टेस्टिंग सर्विस पाकिस्तान लिख देना है। सिंपली अगर आप CTSP भी लिखें तो यहाँ पर आपने सबसे ऊपर यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ऑनलाइन अप्लाई होगा। लास्ट डेट जो है वो 31 मई 2022 है और सिलेबस यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। अप्लाई करने के लिए आपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपने ये नीचे सेकंड नंबर वाले पे क्लिक कर देना है। अगर आपके वालिदैन जो है वो ESCO में मुलाजमत कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक हेयर करना है, नहीं तो अगर आप ओपन मेरिट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर सेकंड नंबर पर क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने सिंपली यहाँ पर करनी है। रजिस्ट्रेशन करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप नीचे कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तमाम तरह इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद आपने यहाँ पर टिक करना है और सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद आपका चलान फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपने फीस जमा करवानी है और इस तरह आपका ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।